हेलो बच्चों, आज हम पाइथागोरस थ्योरम के उपयोग के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं, कि समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाओं के बीच के संबंध को बताता है। ये बताता है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दूसरी दो भुजाओं के स्क्वायर्स के योग के बराबर होता है। इसके अनुसार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड। हमारे वास्तविक जीवन में पाइथागोरस थ्योरम कहां उपयोग में आता है? पाइथागोरस थ्योरम वास्तविक जीवन में बहुत काम आता है। ये एक स्लैंटिंग प्लेन है जो शोरूम में वाहनों के प्रवेश के लिए बना है। अब हमें इस प्लेन की यानी कि इस क्षेत्र में दिए गए एच की लंबाई पता करना है। देखिए, प्लेन मैदान से एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। चलिए इसे ए बी सी नाम देते हैं। इस लैंडिंग प्लेन की लंबाई 13 मीटर है और प्लेन की शुरुआती बिंदु से पॉइंट बी के बीच की दूरी 12 मीटर है, या आप कह सकते हैं कि त्रिभुज का आधार 12 मीटर है। ऊंचाई या हाइट h है और ये साइड bc है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ac स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर यानी कि 13 स्क्वायर बराबर दूसरी दो भुजाओं के स्क्वायर्स का योग यानी कि 12 स्क्वायर्ड प्लस एच स्क्वायर्ड। इस तरह यहां हम कह सकते हैं कि 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 13 स्क्वायर्ड इक्वल टू 169, 12 स्क्वायर्ड इक्वल टू 144, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25, 25 मतलब 5 स्क्वायर्ड, तो एच बराबर 5 मीटर। और स्लैंडिंग प्लेन की ये ऊंचाई हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाली है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यहां दो बिल्डिंग्स के बीच की दूरी 12 मीटर है। एक बिल्डिंग 41 मीटर ऊंची है और दूसरी बिल्डिंग 32 मीटर ऊंची है। अमन कम ऊंचाई वाली बिल्डिंग की छत पर गया और सोचने लगा कि दोनों बिल्डिंग्स की छतों के बीच में कितनी दूरी होगी। दो बिल्डिंग्स की छत के बीच की इस दूरी का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो यहां पर भी हम समस्या के हल के लिए पाइथागोरस थ्योरम की मदद ले सकते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। देखिए, दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी एबी बराबर 12 मीटर है। ऊंचाई में अंतर बीसी है और ये 41 माइनस 32 इक्वल टू 9 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों बिल्डिंग्स की छतों के बीच की दूरी एसी है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक एसी स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, जो कि स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर है, यानी कि 144 प्लस 81 इक्वल टू 225, 225 बराबर 15 स्क्वायर है, जिसका मतलब है एसी स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर। इसलिए एसी 15 है और ये हमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मिला है। तो पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच के संबंध को बताता है। ये कहता है समकोण त्रिभुज के कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दूसरी दो भुजाओं के स्क्वायर्स के योग के बराबर होता है। इसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उदाहरण के लिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसलिए यदि हमें समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई मालूम हो तो हम इस थ्योरम की मदद से तीसरी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।